हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द इंडस्ट्रेंजर चैनल। तो देखिए, आज हम लोग जो सीरीज स्टार्ट की थी, उस सीरीज में हम बात करेंगे आज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। तो ये वीडियो जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी SSR डबल है, जो टेक्निकल हैं, उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। बाकी और लोग भी देख सकते हैं जो NDA के लिए तैयारी कर रहे हैं या जनरल साइंस का जो भी एग्ज़ाम्स है, लेकिन दिस सीरीज़ इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर एयरफोर्स ग्रुप एक्स एग्जामिनेशन एज वेल एज नेवी SSR एंड डबल ए। तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में हमारे पास लॉज हैं जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों में से होंगे, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर। और तीसरा हमारा कारनॉट इंजन, और कारनॉट इंजन पर बेस जो हमारे हीट इंजन और जो हीट पंप हैं उन पर बेस चीज़ें। तो मोस्टली अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं इन एग्जाम्स में वो इन्हीं सारी चीज़ों पर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले ऊष्मा गति की प्रक्रम या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है कि हम एक सेट ऑफ कंडीशन से एक दूसरी सेट ऑफ कंडीशन की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर जाना चाहते हैं। तो इसमें जाने के लिए हम लोग कुछ चेंज करेंगे। आइदर वो चेंज किस में होगा? प्रेशर में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, टेम्परेचर में, या हीट में हो सकता है, या वर्क में हो सकता है, या इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा में हो सकता है, कार्य में हो सकता है, निकाय को ऊष्मा दे सकते हैं या ऊष्मा ले सकते हैं, दाब में परिवर्तन हो सकता है, ताप में या आयतन में। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई इनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, यानी कि ऊष्मा गति की चर। इनमें सब में चेंज करके हम निकाय यानी सिस्टम को एक अवस्था से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाते हैं। तो ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या ऊष्मा गति की प्रक्रम। तो हम कुछ कॉमन प्रक्रम की बात करेंगे जो जिसमें हम निकाय या सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है समतापीय प्रक्रम, इसको बोलते हैं हिंदी में समतापीय प्रक्रम। अब जैसा नाम से आपको क्लियर है कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यानी कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। हम कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि इस प्रक्रिया में एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाने में हमारे टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो। अब बिफोर स्टार्टिंग ऑल दीज प्रोसेस, इन सारे प्रक्रम को शुरू करने से पहले एक जो मैंडेटरी चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सबको पता है, ये है कि dQ बराबर dU, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, dQ बराबर dU प्लस dW। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यानी किसी सिस्टम को अगर हम हीट देते हैं या सिस्टम से हीट लेते हैं, तो ये जो हीट लेना या देना है ये दो काम होता है। ये हीट क्या करेगी? या तो निकाय या सिस्टम की क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी, वो हिस्सा हमारा dU है। या निकाय या सिस्टम पर वर्क होगा, या सिस्टम या निकाय क्या करेगा? वर्क करेगा, वो हिस्सा हमारा क्या है? dW। तो ये दोनों मिलकर किसके बराबर होंगे? सिस्टम को दी गई ऊष्मा या सिस्टम को सिस्टम से ली गई ऊष्मा। तो हीट जो भी हम डिलीवर करते हैं या हीट लेते हैं सिस्टम से, उसके दो हिस्से होते हैं, वो दो काम करता है, या तो निकाय या सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज कर देता है, और दूसरा उसका कुछ हिस्सा क्या करता है? वर्क डन या कार्य करने में खर्च हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका हम यहां पर यूज करेंगे। अभी जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें हम कह रहे हैं समतापी प्रक्रम है, तो इसमें हमारा जो टेम्परेचर है पहली चीज वो कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी ताप जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? नियत रहेगा। इसका मतलब अगर हम गैस इक्वेशन की बात करें, अगर हमारा ताप नियत रहेगा तो इसका मतलब हमारा PV बराबर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो PV बराबर कांस्टेंट समतापी प्रक्रम हो जाएगा। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें तो dQ बराबर हमारा dU प्लस dW है। अब अगर इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो आंतरिक ऊर्जा
हम लोग जानते हैं टेम्परेचर का फंक्शन होती है। टेम्परेचर का फंक्शन का मतलब है कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा या चेंज होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब डी यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जितनी भी हीट देंगे वो सारी की सारी हीट वर्क डन या कार्य करने में खर्च हो जाएगी। इट मीन्स इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि डी यू बराबर जीरो, यानी इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट इम्प्लाइज दैट कि डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, यानी कि जितनी भी हीट देंगे वो सारी की सारी हीट वर्क डन में खर्च हो जाएगी। इट मीन्स कि जो भी हीट देंगे वो कार्य करने में खर्च होगी, यानी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको अगर हम ग्राफ से देखें, पी और वी के बीच में अगर इसका जो ग्राफ है, ये पी है ये वी है, ठीक है। अगर हम पी वी ग्राफ देखें तो पी वी बराबर हमारा कांस्टेंट है, तो ये इस तरीके से आएगा, यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा पी वी ग्राफ हो गया, क्लियर है। तो ये हमारा पीवी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये सारे के सारे थ्योरेटिकल प्रोसेस हैं, व्यवहार में या प्रैक्टिकल में 100% कोई भी प्रोसेस पूरी तरह से आइसोथर्मल नहीं होता है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज होगा। ये सारे के सारे प्रोसेस जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, ये सारे के सारे क्या हैं, थ्योरेटिकल प्रोसेस है। तो ये पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल, इसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी पी वी बराबर कॉन्स्टेंट, यानी इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इट मींस डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। अब आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि टेम्परेचर हमारा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का मतलब है कि ऐसे सारे प्रोसेस जो बहुत स्लो होंगे, जो बहुत धीमी गति से होंगे, वो सारे के सारे प्रोसेस हमारे क्या होंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे। क्योंकि अगर प्रोसेस धीमी गति से होगा तो टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखिए, ये सारे प्रोसेस जो बहुत स्लो होता है, जिनका रेट स्लो होता है, जिनकी गति स्लो होती है, कम होती है, वो प्रोसेस हमारे आइसोथर्मल या समतापी प्रक्रम की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद एडियाबेटिक या रुद्रोष प्रक्रम। तो देखिए, आज एक एक करके सारे प्रक्रम या सारे प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। तो हमारा जो सेकंड है वो है एडियाबेटिक। रुद्रोष प्रक्रम, अब देखिए एडियाबेटिक के रुद्रोष प्रक्रम में क्या होगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। निकाय या सिस्टम से सराउंडिंग या वातावरण में ना ऊष्मा जाएगी ना उससे ऊष्मा ली जाएगी। यानी कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की बात करें तो यहाँ पर डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रुद्रोष प्रक्रम का मतलब है कि डी क्यू बराबर जीरो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। अब अगर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो अगर हम यहाँ से जाएँ तो जीरो बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू बराबर क्या होगा, माइनस डी डब्ल्यू, या डी डब्ल्यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू डी यू। इट मीन्स कि अगर वर्क डन होगा वो किसकी कीमत पर होगा, आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर होगा। तो अगर सिस्टम काम करेगा तो इंटरनल एनर्जी में कमी होगी, यानी आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। और कमी होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर का फंक्शन होती है, तो अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। तो अगर वर्क डन हो रहा है सिस्टम के द्वारा, और हम लोग जानते हैं कि निकाय या सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होता है और सिस्टम पर किया गया कार्य हमारा नेगेटिव होता है, तो इट मीन्स कि अगर सिस्टम काम कर रहा है तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, हमारी कमी होगी, और हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर है। तो डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू। अब ये जो प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग कॉमन डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर आप साइकिल से जा रहे हैं और अचानक से आपका टायर फट जाए, तो जो हवा निकलती है बाहर उस ट्यूब से,
उसका जो टेम्परेचर होता है वो बाकी एयर के मुकाबले क्या होता है, कम होता है, यानी जो निकली हुई हवा है वो ठंडी होती है। अब इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जितने भी प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस होते हैं, जो बहुत तेज गति के साथ होते हैं, तो उसमें ऊष्मा के आदान प्रदान के लिए यानी कि हीट के एक्सचेंज के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो अगर टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत फास्ट प्रोसेस है, इट मीन्स ये किस कैटेगरी में आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्रोष प्रक्रम की श्रेणी में आएगा। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डीक्यू जीरो है, डीक्यू जीरो है तो डीयू बराबर माइनस डीडब्ल्यू, यानी कि सिस्टम जो काम कर रहा है वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कीमत पर कर रहा है, आंतरिक ऊर्जा की कीमत पर। तो उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो साइकिल की ट्यूब फटती है तो उसमें से जो हवा निकलती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, पहले के मुकाबले क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। तो डीयू बराबर माइनस डीडब्ल्यू, तो यहां से एक चीज याद रखने वाली है कि जितने भी फास्ट प्रोसेस हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो यहां पर इक्वेशन कुछ अलग तरीके की होती है। पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको पॉइसन लॉ कहते हैं, पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां पर गामा जो होता है वो रेशियो होता है आपको पता है सीपी बाय सीवी का। सीपी आपको पता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर, और सीवी क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर। तो गामा इक्वल टू सीपी बाय सीवी, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्रोष प्रक्रम की इक्वेशन है। गामा की वैल्यू आपको पता है अलग अलग के लिए अलग अलग होती है, मोनो एटॉमिक यानी एक परमाणुविक के लिए अलग होगी, डाई एटॉमिक के लिए अलग होगी, और ट्राई एटॉमिक के लिए अलग अलग होती है। मोनो एटॉमिक के लिए आपको पता है कि इसकी वैल्यू 5/3 होगी, फिर 7/5 यानी 1.4 होगी, और 4/3 यानी कि 1.33 होगी। तो सबके लिए वैल्यू इसकी अलग अलग होती है। मोनो एटॉमिक एक परमाणु के लिए अलग होगी, द्विपरमाणुक के लिए अलग होगी, और त्रिपरमाणुक या पॉली यानी कि तीन से ज्यादा के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। इक्वेशन पीवी गामा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, पी और वी के ग्राफ की बात करें, तो ऑलमोस्ट इसी तरीके का होता है, लेकिन इसकी जो स्लोप होती है वो आइसोथर्मल यानी समतापी प्रक्रम से ज़्यादा होती है। तो एक चीज़ यहाँ पर और याद रखने वाली है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि रुद्रोष प्रक्रम जो हमारा है उसमें हम ये जो कर्व है पीवी कर्व, इसकी जो स्लोप है और जो आइसोथर्मल यानी समतापी, इन दोनों की प्रवणता या स्लोप का अनुपात कितना होगा, गामा होगा। यानी कि रुद्रोष प्रक्रम में अगर हम पीवी ग्राफ खींच रहे हैं उसकी स्लोप यानी उसकी ढाल या प्रवणता, और समतापी प्रक्रम में पीवी जो ग्राफ है उसकी स्लोप यानी ढाल या प्रवणता का जो अनुपात है वो गामा होगा। अर्थात एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्रोष प्रक्रम के जो पीवी ग्राफ है उसकी स्लोप आइसोथर्मल के अपेक्षा ज़्यादा होती है, और कितने गुना होती है, गामा गुना। और गामा की वैल्यू आप सबको पता है ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, वन होता है। इट मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस में जो पीवी ग्राफ खींचा और जो आइसोथर्मल या समतापी प्रक्रम में पीवी ग्राफ खींचा, दोनों की स्लोप को अगर हम कंपेयर करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्रोष प्रक्रम की स्लोप क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी, और कितने गुना हो जाएगी, वो गामा गुना हो जाएगी। इतनी चीज़ें आपको एडियाबैटिक प्रोसेस में याद रखनी है। क्या चीज़ जीरो होती है आपको पता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, तो डीक्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर डीक्यू जीरो होगा तो डीयू बराबर माइनस डीडब्ल्यू होगा। इसका मतलब है कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, निकाय द्वारा किया गया कार्य होगा, तो निकाय का टेम्परेचर कम होगा, और निकाय पर काम करेंगे यानी सिस्टम पर अगर हम काम करेंगे तो सिस्टम या निकाय का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इक्वेशन ये याद रखनी है, पीवी गामा कांस्टेंट, गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। तो ये दो प्रक्रम हमारे हो गए। नेक्स्ट प्रक्रम में हम बात करेंगे आइसोकोरिक यानी कि सम आयतनिक प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि सम दाबीय प्रक्रम की। इसके बाद बात करेंगे सम आयतनिक प्रक्रम यानी आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस,
सम आयतनिक प्रक्रम, अब देखिए जैसा नाम से क्लियर है आइसोकोरिक या समायतनिक, इसमें आयतन या वॉल्यूम क्या रहेगा, नियत रहेगा, यानी वॉल्यूम क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। तो V इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि आयतन हमारा नियत रहेगा, और अगर आयतन नियत रहेगा तो dV बराबर जीरो, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, यानी आयतन में परिवर्तन शून्य होगा, यानी कोई परिवर्तन आयतन या वॉल्यूम में नहीं होगा। ये इस प्रक्रम या प्रोसेस की मेन की फीचर या हाईलाइट फीचर है कि आइसोकोरिक प्रोसेस जो समायतनिक प्रक्रम है, इसकी मुख्य विशेषता या मेन पॉइंट क्या है कि इसमें वर्क वॉल्यूम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आयतन या वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नज़रिए से बात करें तो हमारी इक्वेशन है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, डी डब्ल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी इंटू डी वी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब dV अगर जीरो है तो इट मींस इस प्रक्रम में dW हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। ये इस प्रोसेस की खास बात है, आइसोकोरिक प्रोसेस या समायतनिक प्रक्रम में वर्क डन यानी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अब अगर वर्क डन जीरो है तो dQ बराबर क्या होगा, dU। इट मीन सिस्टम या निकाय को जो भी आप ऊष्मा या हीट देंगे या एनर्जी देंगे, वो सारी की सारी ऊष्मा या हीट जो होगी वो उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में खर्च होगी, या दूसरे शब्दों में समझा जाए कि अगर निकाय या सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है तो इट मीन्स वो सारी की सारी हीट क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को कम कर देगी, यानी जितना अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी उतनी ही अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी। क्लियर है, इस मींस अगर हम बाहर से हीट देंगे तो इट मींस उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर हीट रिलीज होगी तो इसका मतलब है उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी और उसका ताप या टेम्परेचर क्या होगा, गिर जाएगा। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, पीवी ग्राफ की बात करें, ये पी है ये वी है, तो यहां पर V कांस्टेंट है यानी कि V में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो अगर हम बात करें तो ये इस तरह का ग्राफ होगा, प्रेशर हमारा चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं तो इसकी स्लोप जो हो जाएगी यानी जो प्रवणता हो जाएगी वो अनंत या इनफाइनाइट हो जाएगी। ये भी एक खास चीज है, याद रखिएगा आइसोकोरिक या समायतनिक प्रक्रम की स्लोप के पीवी ग्राफ की यानी पीवी वक्र की ढाल, स्लोप या प्रवणता अनंत या इनफाइनाइट होती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, एम इक्वल टू इनफाइनाइट, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू इसमें क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तो था हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस या प्रक्रम है वो है आइसोबारिक। आइसोबारिक अब नाम से क्लियर है कि ये प्रोसेस में प्रेशर या दाब नियत रहेगा, इसको बोलते हैं समदाबीय प्रक्रम। तो आइसोबारिक में हमारा प्रोसेस में प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो इसका की फीचर हो गया P इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर हमारा नियत रहेगा यानी दाब नियत रहेगा। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें तो dQ बराबर dU प्लस dW, अब इसमें कोई भी चीज़ जीरो नहीं होगी। भाई अभी तक हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते आए हैं सब में कुछ ना कुछ जीरो था। भाई अगर हम आइसोथर्मल या समतापी प्रक्रम की बात करें तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था तो dU जीरो था। आइसोकोरिक या रुद्रोष प्रक्रम की बात करें तो dQ जीरो था, यानी कि ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा था, चेंज इन हीट या ऊष्मा में परिवर्तन हमारा जीरो था। तीसरा हम लोगों ने देखा आइसोकोरिक यानी कि समायतनिक, उसमें वर्क डन या किया गया कार्य क्या था, शून्य था। लेकिन आइसोबारिक एक ऐसा प्रोसेस इसमें कोई भी चीज़ जीरो नहीं होगी, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो dW हमको पता है किसके बराबर हो जाएगा, PdV। क्लियर है, इसमें कोई भी चीज़ जीरो नहीं होगी, यानी दी गई ऊष्मा का कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में खर्च होगा और बाकी बचा हिस्सा किए गए कार्य या वर्क डन में खर्च होगा। अब अगर हम ग्राफ की बात करें, पीवी ग्राफ की,
ये P है, ये V है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये एक लाइन हो जाएगी इस तरह से, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। और इसमें अगर हम स्लोप की बात करें तो इसकी स्लोप या प्रवणता या ढाल क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस में पीवी कर्व जो हम खींचेंगे, जो पीवी ग्राफ खींचेंगे, उसकी स्लोप या ढाल या प्रवणता हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो दीज आर द की फीचर ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस या समदाबीय प्रक्रम, यानी कि इसमें प्रेशर क्या रहेगा, हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद एक और प्रोसेस है जिसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम, अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम का मतलब क्या है समझ लेते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जो विभिन्न अवस्थाओं से, यानी कि डिफरेंट स्टेट से गुजर के फिर से वापस उसी स्टेट या उसी अवस्था में आ जाए, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम। ए से बी गए, बी से फिर भी ए में आ गए, तो ये जो प्रोसेस है ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। अब इसकी खास बात क्या है, तो अगर हम बात करें साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल कंडीशंस क्या है, सेम है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था समान है। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें आंतरिक ऊर्जा की, तो आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पर और दूसरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन यानी कि अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाएं समान हो तो डीयू क्या होगा, जीरो होगा। DU दो ही कंडीशन में जीरो हो सकता है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तभी जीरो होगा, यानी आंतरिक ऊर्जा तभी नियत होगी यदि ताप नियत रहे, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, या इनिशियल और फाइनल कंडीशन हमारी क्या रहे, सेम रहे, यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था निकाय की समान रहे, यानी निकाय जिस अवस्था से स्टार्ट हुआ, जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ है, अंत में भी उसी अवस्था में पहुंच गया। तो साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम में ऐसा ही होता है, तो इसलिए इसमें DU हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो हमारा लॉ ये हो जाएगा DQ बराबर DW, यानी कि जितनी ऊष्मा देंगे वो सारी की सारी ऊष्मा किसमें खर्च हो जाएगी, किए गए कार्य में खर्च हो जाएगी, यानी कि इसमें DQ बराबर क्या होगा, DW होगा। तो अगेन इस प्रोसेस में भी कोई ना कोई चीज़ जीरो हो रही है, सिर्फ याद रखिए एक ही प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, आइसोबारिक या समदाबीय प्रक्रम, जिसमें कोई भी चीज़ जीरो नहीं थी, बाकी जितने भी प्रोसेस हम लोगों ने पढ़े उसमें कुछ ना कुछ जीरो था। तो साइक्लिक प्रोसेस में DU हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और DQ बराबर क्या होगा, DW होगा। तो ये हम लोगों ने कुल मिला के 5 प्रोसेस पढ़े, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक यानी कि समतापीय, रुद्रोष्म, आइसोबारिक यानी समदाबीय, आइसोकोरिक, समायतनिक, और लास्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम। अब इसके मेन फीचर्स याद रखने हैं, और दूसरे इससे रिलेटेड चीजें जैसे साउंड जब एयर में ट्रेवल करती है तो ये कैसा प्रोसेस है हमारा, एडियाबेटिक यानी कि रुद्रोष प्रक्रम, इस दौरान ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। दूसरी चीज कैलोरीमेट्री, जब हम बात करते हैं, जब स्टेट चेंज की बात करते हैं, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर, यानी कि ठोस से द्रव और द्रव से वाष्प, तो जिस पॉइंट पर यह चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से, उस प्रोसेस पर टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट रहता है, और टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट रहेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि समतापीय प्रक्रम। उस दौरान टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलती है, तो उस दौरान वो जो बदलने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो समतापीय प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो ये सारे फिनोमिना हमको याद रखने हैं कि कहां पर आइसोथर्मल होगा, कहां एडियाबेटिक होगा, कहां आइसोकोरिक होगा, कहां आइसोबारिक होगा, कहां समतापीय, रुद्रोष, समदाबीय, समायतनिक या चक्रीय प्रक्रम, और उनसे रिलेटेड चीजें, फॉर्मूले, और उसमें मेन उनके फीचर्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अगेन ये आपको ध्यान ही रखना है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड और सारी चीजें, जिसमें हम जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कवर करेंगे, साथ में कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन क्या होता है, हीट इंजन, और रेफ्रिजरेशन या हीट पंप के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।